सिंह लिबड़ा का देहांत हो गया है। जी हाँ, सुखदेव सिंह लिबड़ा ने तड़के 4 बजे अपने आखिरी साह लै। पिछले कुछ दिनों तो बीमार सन सुखदेव सिंह लिबड़ा, जिन्होंने खन्ना के निजी हस्पताल दे विच इलाज लई भर्ती करवाया गया सी, पर आखिरकार अज सवेरे तड़कसार उन्हां इस फानी संसार नूं अलविदा कह दिता। लोक सभा हलका फतेहगढ़ साहिब तो MP रहे ने लिबड़ा, अकाली दल की टिकट से 2004 च लोक सभा हलका रोपड़ जीते, 2009 लोक सभा हलका फतेहगढ़ साहिब तो कांग्रेस के लिए चोण जीते, 3 अप्रैल 2014 नूं मुड़ अकाली दल दे विच शामिल होए लिबड़ा। सियासी सफर उन्हां दा काफी दिलचस्प रहा ते हुण आखिरकार अज सवेरे तड़के 4 बजे आखिरी साह लै लै। गुरदीप सिंह फोन लाइन ते मेरे साथ जुड़ गए ने, गलबात करदे आं। गुरदीप, आखिरकार किन्ने समय तो बीमार सी, केड़ी बीमारी दे नाल पीरियड सी सुखदेव सिंह लिबड़ा? जी अमृत, जिहड़ा लिबड़ा साहब दा जिहड़ा देहांत होया उह इलाज दे दौरान होया उहनां दा, क्योंकि उम्र उन्हों की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 88 वरिया के सके वो, तो इस करके उन्होंने थोड़ी बहुत जी है प्रॉब्लम चलती सी, बीमार से, इस करके उन्होंने खन्ना के निजी हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया सी। जी अमृत, अज गुरदीप संस्कार कदों तक किया जाएगा उन्हों का? जी हजे परिवार ने कुछ दस्या नहीं इस बारे संस्कार, क्योंकि वो सलाह कर रहे हैं, उस तो बाद कहते थोड़ी देर तो पता चल जाएगा भी कदों उन्हों का संस्कार किया जाना है। जी गुरदीप, शुक्रिया सारी जानकारी दे। साबका MP सुखदेव सिंह लिबड़ा का देहांत हो गया है, अज तड़के 4 बजे उन्होंने अपने आखिरी साल है। पिछले काफी दिनों तो बीमार चल रहे थे सुखदेव सिंह लिबड़ा। हम गल करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के चोन दंगल की। जी हाँ, अज 6 सितंबर का दिन आ गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच अज विद्यार्थी चोणां होणगियां, अज वोटिंग होवेगी, 8 तो 12 बजे तक वोटिंग होवेगी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच। 2 बजे वोटां दी गिणती शुरू होवेगी ते दोपहर बाद नतीजे जिहड़े ओह ऐलान दित्ते जाणगे। जेकर गल कीती जावे मैदान दे विच SFS, NSUI, SOI अते ABVP मैदान दे विच ने, मुकाबला इन्हां दे विचाले है। पंजाब यूनिवर्सिटी दी चोणां सियासी चोणां दे नालों घट नहीं हुंदियां, जिस लई माहौल इत्थे भी सियासी चोणां वांग ही हुंदा है, जिस लई सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध कीते गए ने। पुलिस छौणी च तब्दील कर दिता गया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नूं। हालांकि इस बार जदों तरीक दा ऐलान कीता गया तां उस वेले ही कई अजिहे नियम सी लागू जिहड़े कर दिते गए तां जो माहौल खराब ना होवे, क्योंकि अक्सर जदों पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच इलैक्शन हुंदे ने तां उत्थे भी माहौल तनावपूर्ण हो जांदा है। विद्यार्थी गुटां दे विच जिहड़ी विद्यार्थी तरां दे विच लड़ाइयां हो जांदियां ने, जिस लई पहलां ही सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध कीते गए ने। बाहर दे किसे व्यक्ति नूं अंदर जाण दे लई परमिशन नहीं सी। जेकर गल कीती जावे फिलहाल मौजूदा दिता स्टूडेंट फॉर सोसाइटी SFS दा कब्जा है। SFS दी कनुप्रिया ओह यूनिवर्सिटी दी प्रधान है। 1 साल दा कार्यकाल पूरा होने तो बाद हुण अज दोबारा वोटिंग हो रही है चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कॉलेजों के विद्यार्थी चोणां होने जा रही ने। दोपहर बाद ही इन्हों के नतीजे ऐलान दिए जाएंगे। SFS, NSUI, SOI ते ABVP दे विचाले मुकाबला है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस बार SFS नूं कौन मात दे पाता है, SFS ही दोबारा अपना कब्जा जिहड़ा है वह जमा के रखने दे विच कामयाब हो पाती है। विद्यार्थी चोणां ते नज़र लगातार बनी रहेगी अज साडी। तो हुण गल करदे आं बटाला दी मौत फैक्टरी दी, जिसने 23 लोगों की जान लै ली ते अजे भी कई जिंदगी ते मौत दी लड़ाई लड़ रहे ने। जिहड़े हस्पताल दे विच जख्मी ने, बटाला ते अमृतसर दे हस्पतालां दे विच जख्मियां नूं इलाज लई भर्ती करवाया गया है। उत्थे धमाके नूं लैके सवाल प्रशासन ते लगातार उठ रहे ने। इस सब दे विचारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अज बटाला दा दौरा करनगे, जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों घटना वाले स्थान दा जायजा लिया जाएगा। उत्थे ही हस्पताल दे विच जख्मियों का हाल भी जानेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जिक्रयोग है कि मुख्यमंत्री वालों मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए जबकि जख्मियों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस तो अलावा हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के हुक्म भी दिए गए हैं। पहला मनिया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते कल दौरा करेंगे, पर दौरा नहीं हो पाया किसी कारण के करके, जिस कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह अज धमाके वाली थान का जायजा लैणगे, हालातों का जायजा लैणगे ते नाल ही जख्मियों के नाल मुलाकात करेंगे। मौत की फैक्टरी जिसने 23 लोगों अपनी चपेट के लै लिया,
लगातार प्रशासन से सवाल उठ रहे हैं कि लोगों के वालों शिकायतें करने के बावजूद दो साल पहला इतने धमाका होने के बावजूद दो मौतें होने के बावजूद प्रशासन ने सबक नहीं लिया तो बार बार शिकायतें करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरीके दे नाल ए फैक्ट्री गैर कानूनी ढंग दे नाल चलती रही तो बारूद के ढेर से बैठे रहे बटाला वासी। उधर बटाला फैक्ट्री धमाके के मामले दे विच पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। फैक्ट्री मालिक जसपाल सिंह के खिलाफ ते उसके वारिसां के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि जसपाल सिंह की कई साल पहला ही मौत हो चुकी है। मुढ़ली जांच यह भी गल सामने आई है कि 2016 तो बाद फैक्ट्री का लाइसेंस रिन्यू ही नहीं होया। बटाला हादसे च अपने गवाउण वालों च जबरदस्त रोस देखने मिल रहा है। लोगों ने DC का घिराओ भी किया, हस्पताल के बाहर भी प्रदर्शन किया। बटाला ते अमृतसर दे विच हस्पतालां दे विच जख्मियों का इलाज चल रहा है, कईयां दी हालत गंभीर बनी हुई है। अपने इस हादसे च गौण वालियां दे घरां दे विच मातम छाया होया है, उन्हां दे हंझू नहीं रुक रहे। हादसे च मर गए लोग कुछ लोगों नूं अज अंतिम विदाई भी जिहड़ी दित्ती गई, कल ही संस्कार जिहड़ा है वह कईयां दे कर दित्ते गए सी। हालांकि तकरीबन सब दे संस्कार कल हो गए सी, पर एक दो लाशां जिहड़ियां बहुत बुरे तरीके दे नाल झुलस गईयां सी, जिन्हां दी शनाख्त भी करनी मुश्किल हो गई सी, उन्हां दे लई अजे इंतजार किया जा रहा है। पर तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, लोगों दे विच गुस्सा है, प्रशासन के प्रति नाराजगी है, परिवारों दे विच मातम है, क्योंकि उन्होंने अपने नूं गवाया है तो कोई कसूर भी नहीं है जिसकी इन्नी वड्डी सज़ा उन्हां नूं मिली है। जख्मियों का इलाज जारी है, कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। FIR दर्ज कर दी गई है जसपाल सिंह के खिलाफ, जिसकी पहला ही मौत हो चुकी है। ये जो पुराना लाइसेंस खत्म होया जसपाल सिंह के नाम से, जसपाल सिंह की भी काफ़ी समय पहला डैथ हो गई है, जिहड़ा परिवार ही इन्हू मैनेज कर रहा है। जसपाल सिंह के फैमिली मैंबर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यही जिहड़े जिन्हां की डैथ हुई है हजे तक तो यही सामने आ रहा, यही चला रहा, बाकी उन्होंने छान पीन कर रहे हैं भी होर को फैमिली या रिश्तेदार कोई इन्हों का जो है। मैं जिते अपने पंजाब सरकार के वालों भी कहा गया है तो मैं भी उही गल रिट्रेट करदा कि जांच होनी चाहिए है, होगी। मजिस्ट्रियल इनकुआयरी ऑलरेडी ये सानू ऑर्डर आए हुए हैं। घटनाक्रम तो जो आप फ्री होवांगे, इस जो वेले होवांगे तो फिर आप दफ्तर जाके फिर आप सारी जांच वाली प्रक्रिया आपां नूं करनी है। कई बार है ना ये मैसेज ये जाता है कि असी जांच तो बच रहे हैं, असी बिल्कुल नहीं बच रहे, असी सानू रेलेवेंट क्वेश्चन पता ने। इतों तो जाने के बाद असी ये सारे पॉइंटा पर तफसील नाल करांगे, जिहड़े बंदे की गलती होगी, जिते भी एक चीज़ लुकाई गई, दबाई गई, जानबूझ के किसी को फायदा देने की कोशिश की गई, 100% कार्रवाई होगी। पहली चीज तो यह है प्रशासन के वालों जांच के दावे किए जा रहे हैं, पर लोगों के विच गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि जांच नहीं कार्रवाई चाहिए है। उधर धमाके च जान गवाउण वाले पीड़ित परिवारों च मातम का माहौल है, उत्थे लोगों के विचाले प्रशासन के खिलाफ गुस्से की लहर है ते दोषियों खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अखां दे विच अथरू, आपणियां दे विछोड़े दी तड़फ, भुब्बा मार मार रोंदे पीड़ित परिवारां दीआं तस्वीरां तबाही दे मंजर नूं बयान कर रहीआं ने। बटाला दे विच फैक्ट्री च पिया बारूद अजिहा पंबड़ बणिआ कि कई घरां दे विच सत्थर विछा गया ते सवाल प्रशासन ते खड़े हो रहे ने कि शहर दे विचकार कई सालां तबाही दा समान मौजूद सी, पर प्रशासन दी नींद उस समें खुल्ली जदों तबाही दा समान कई परिवारां दे लई घर लै के आया, जिस नूं लै के पीड़ित परिवार प्रशासन दे खिलाफ गुस्से नाल भरे हुए ने ते रोस वजों प्रशासन ते सरकार दे खिलाफ सिविल हस्पताल दे बाहर ही रोस प्रदर्शन किया गया ते दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मेरे छोटे भाई का 3 साल का लड़का और उसकी वाइफ जो इस प्रशासन ने खा ली, जो प्रशासन निकल गया, ऐसा प्रशासन जो पैसे भी बिकता है, उन्होंने ये किया, हमसे विश्वास दिलाया पिछले 2 सालों से भी, हम इन लोगों को फैक्ट्री को बाहर निकाल देंगे। आज हमें ADC साहब कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, करने वाले तो प्रशासन है, उन अफसर पर कार्रवाई 302 की कार्रवाई चाहिए हमको, नहीं करेंगे तो हम खुद तेल लेके अपने ऊपर डाल के हम भी खुद अपने को जलाएंगे। आज उत्थे जदों डिप्टी कमिश्नर सिविल हस्पताल जख्मियों का हाल जानने के लिए पहुंचे तो गुस्से के विच आई लोगों ने DC का घिराओ किया, हस्पताल के बाहर ही DC की गड्डी रोक के रोस प्रदर्शन किया गया, सरकार ते जिला प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई।
ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ DC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਮਰਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 110 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ MP ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਿਆਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਕਾਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਰਕ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾ।